हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की गई। तय मानक के अनुसार रिजल्ट घोषित होंगे। इंटरनल असेसमेंट पर रिजल्ट तय होंगे। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री की तरफ से बयान सामने आया। बीते दिन पीएम की बैठक में शामिल धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान। पीएम की बैठक के बाद 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आईसीएसई बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा रद्द की गई है। पीएम ने अधिकारियों को रिजल्ट तैयार करने को कहा है। 12वीं के छात्रों को परीक्षा का भी विकल्प देगा सीबीएसई, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। जब तक हालात नहीं सुधरेंगे तब तक वो विकल्प छात्र इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोरोना काल में छात्रों को मुश्किल से बचाने के लिए हुआ बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा हुई रद्द। सीबीएसई की 12वीं क्लास की परीक्षाओं के बाद अब सीआईएससीई की परीक्षाएं भी हुई रद्द। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बीते कई दिनों से जारी असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। आखिरकार केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं क्लास की इस साल की परीक्षा को रद्द कर दिया है। मंगलवार को परीक्षा की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री ने की। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सचिव के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए। हालांकि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अस्पताल में भर्ती होने की वजह से बैठक में नहीं थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक इंटरनल असेसमेंट पर रिजल्ट तय होंगे। देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इंटरनल असेसमेंट की आधार पे 11वीं और 12वीं दो जो पिछले दिनों में इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं उसकी असेसमेंट के आधार पे उनकी नतीजा आएगी। जानकार भी मानते हैं कि 10वीं की परीक्षा की तरह ही 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। 10th के एग्जाम के लिए भी उन्होंने बोला है कि आप हम लोग एवरेज ले सकते हैं उनके मेन टेस्ट की, कितने सारे प्री एनुअल्स और प्री बोर्ड्स और मंडे टेस्ट है उसके हिसाब से हम उनकी टैबुलेशन कर सकते हैं, और वो करनी भी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि स्कूल से ज्यादा नहीं जानेंगे हम, और सारे स्कूल चाहेंगे कि बच्चे की जस्टिफाइड स्कोर्स हो और वो प्रिडिक्टिव स्कोर्स पे ही उनका रिजल्ट बनना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फैसले का स्वागत किया है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे आगे के लिए भी करते रहें। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी परीक्षा रद्द करने को सही बताया है। निश्चित रूप में छात्रों के हित में लिया गया ये प्रधानमंत्री का की चिंता है, और ये जो निर्णय है उन्होंने काफ़ी सोच विचार करके और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लिया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने फैसले के अनुरूप आगे तैयारी की बात की। इसका क्या प्रारूप रहेगा उसका निर्णय इसके बाद किया जाएगा, और हम बैठ के इसके बारे में बातचीत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे क्या इसका तरीका रहेगा, तो उसकी जानकारी हम जो है बाद में देंगे।
वहीं शिक्षा जगत से जुड़े अलग अलग संस्थानों के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। आज स्वागत करते हैं CBSE के और मानव संसाधन विकास विभाग के आज के इस फैसले से हजारों लाखों करोड़ों छात्रों ने राहत की सांस ली है और इस निर्णय के बाद अभिभावक और बच्चे अगले कल क्लास में जब जाएंगे बच्चे तो और तीव्रता के साथ अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे। छात्रों की सरकार के फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। हमारी तो मेहनत पानी फिर गया ना, हमारी मेहनत पे जो हमने मेहनत की तो वो तो फिर सारी वेस्ट हो गई। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ये, पर इन्होंने उसका सोचा नहीं। बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि इन्होंने बोर्ड्स कैंसिल कर दिया, बिकॉज इस वक्त हेल्थ को सबसे ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए बोर्ड्स के अलावा। एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमने काफ़ी प्रिपरेशन करी थी, उस हिसाब से एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए थे। पिछले साल की तरह अगर कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर CBSE उन्हें ऐसा विकल्प देगा। CBSE और CISE की परीक्षाएं तो रद्द हो चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि दोनों केंद्रीय बोर्डों के इस फैसले के बाद राज्य बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर सकते हैं। 10वीं की परीक्षा CBSE, CISE के अलावा अधिकांश राज्य पहले ही रद्द कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लंबे वक्त से स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक लगातार मांग कर रहे थे कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी यही मांग लगातार की है। आपको बता देते हैं 12वीं परीक्षा पर 5 बड़े अपडेट। देखिए CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट पर रिजल्ट तैयार होगा। छात्रों को परीक्षा का भी विकल्प दिया गया है, लेकिन उसके लिए उन्हें इंतजार करना होगा। हालात सुधरने पर ही परीक्षा का ये विकल्प लागू हो सकेगा। ICSE की 12वीं की परीक्षा भी रद्द की जा चुकी है। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।